हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने जीमेल पासवर्ड को भूल गए हो तो आप अपने पासवर्ड को अपने मोबाइल में किस तरीके से दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं इस मेथड को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फ्रेंड्स, मैं आप स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में जीमेल पासवर्ड को फॉरगेट करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आप अपने जीमेल पासवर्ड अगर भूल गए हों तो अपने ही मोबाइल में अपने पासवर्ड को देख सकते हैं। इसका ऑप्शन जीमेल में होता है। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जीमेल पे जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे जीमेल को ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने जीमेल को ओपन कर लिया है और सबसे पहले जो सी आपकी जीमेल होगी आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए, मैंने अपने इस पर पहले इस आइकन पे क्लिक करा है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर जाना है। जैसे आप सिक्योरिटी पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ एक पेज खुल कर आएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पासवर्ड मैनेजर। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक सबसे ऊपर सेटिंग के एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने देखो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होंगे। अगर आपके इनेबल नहीं हो तो आप उसको इनेबल कर लें, नहीं तो आपको यहाँ गूगल का आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे इनेबल कर रखे थे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने ऑप्शन को पहले से इनेबल कर रखे थे। देखिए, अब मैं बैक करता हूँ उसको। यहाँ पर मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अब मैं यहाँ पे देखो गूगल का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करा देखो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट मांग लिया है, मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट डाल दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर देखो मेरी यहाँ पे जीमेल आईडी आ रही है। दूसरी है ये मेरी रिकवरी में डाल रखी थी इस अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे जीमेल आईडी आ रही है। अगर आप चाहें तो अपने पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो यहाँ इस पर दूसरी जीमेल आईडी पे आपके पासवर्ड को शो हो जाएगा, इससे आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके नीचे देखो मैंने यहाँ पे पासवर्ड शो भी खोल लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखो ये चाहूँ तो इसको कॉपी करके इस पर यहाँ पे मैं कॉपी करके अपने पासवर्ड की और किसी जगह पेज करके देख सकता हूँ, जिससे मेरे पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखो ये आँख का ऑप्शन मिल गया होगा, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा ये। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अपने पासवर्ड को यहाँ पे शो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मेरा पर्सनल पासवर्ड है, और इसलिए फ्रेंड देखो सब मैं यहाँ से सब बैक कर देता हूँ। ये अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं सब बैक कर दिया है यहाँ पे। ये फ्रेंड्स, आप भी अपने पासवर्ड को इसी तरीके से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पासवर्ड को देखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का पार्ट वन था। फ्रेंड्स, मैं आपको पार्ट टू में बताऊँगा कि आप अपने एक जीमेल आईडी से दूसरे मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, मैं आपको पार्ट टू में बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।